नमस्कार, लाइव बिहार का इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। ऐसे तो इन दिनों चिराग पासवान के सितारे जो है बुलंदी पे नज़र आ रहे हैं, और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर चाचा पशुपति पारस का दफ्तर यानी कि राष्ट्रीय लोजपा का जो दफ्तर है वो छीन के अब चिराग पासवान को दे दिया गया है, और सीधे तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वो दफ्तर आवंटित किया गया है। स्वर्गीय दिवंगत रामविलास पासवान के द्वारा जब लोजपा का गठन हुआ था तब ये दफ्तर लोजपा के पास ही था, लेकिन जब उनकी मौत हो गई उसके बाद इस पर कब्जा चाचा पशुपति पारस ने कर लिया था, लेकिन अब चिराग पासवान ने ये भी उनसे छीन लिया है। जिस तरीके से पशुपति पारस ने एक समय में उनकी पार्टी तोड़ दी थी और कई सांसदों को अपनी पार्टी में ले आए थे और चिराग पासवान को अकेला कर दिया था, तो वो सारी चीज़ें चिराग पासवान ने अब अपने नाम कर ली है और उनकी मेहनत जो है वो नज़र आ रही है। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में कई प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया, जहाँ पे उन्होंने जल्दी से जल्दी काम खत्म करने की बात की है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब काफ़ी कम दिन रह गया है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से एक्टिव नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। कल उन्होंने हवाई निरीक्षण किया था पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज को लेकर, क्योंकि वहाँ पे लगातार गंगा का बढ़ता जलस्तर परेशानी का सबब बन गया, जहाँ पे बाढ़ का खतरा लोगों को सताने लगा है। उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए कई बातें सामने रखी, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह बख्तियारपुर निकल चुके हैं। बख्तियारपुर निकलने के साथ उनके पास सबसे पहले मंत्री विजय चौधरी और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया। जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री सबसे पहले बख्तियारपुर प्रखंड के स्थित गंगा चान और प्रस्ताव लिंक का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया उन्होंने। उसके बाद बख्तियारपुर सिटी घाट के पास निर्वाणा गंगा घाट और पाथवे का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गणेश हाई स्कूल बख्तियारपुर के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करते हुए नजर आए। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने शिवराज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के पहले ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और इस बार वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं ताकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी फतेह हो, और वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले ही उनका सारा कार्य समाप्त हो जाए, जो जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं वो पूरे हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे सबसे युवा सांसद यानी कि सांभवी चौधरी की, और सीधे तौर पे सांभवी चौधरी एक्शन मोड में आ गई है। समस्तीपुर के सदर अस्पताल का निरीक्षण करते हुए नजर आई। ये खबर तब की है जब सांभवी चौधरी देर रात जब पहुंची सदर अस्पताल तो वहाँ का नज़ारा देख के हक्का बक्का रह गई। वहाँ पर सिर्फ दो डॉक्टर मौजूद थे, अस्पताल की हालत इतनी ख़राब थी कि वहाँ अगर कोई इलाज कराने जाए तो वो खुद बीमार होकर वापस आएगा। बढ़ते गंगा के जलस्तर का प्रभाव तो हम हर जगह देख रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में जल जमाव हो चुका है, जहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट होता है उस अस्पताल का ये हाल है। इसके साथ ही आपको बताएं वही पूरी अस्पताल में निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी एवं पीकू वार्ड में एक भी डॉक्टर नहीं मिला। निरीक्षण के बाद सांभवी ने मीडिया से बात करते हुए अस्पताल की स्थिति काफ़ी बदतर बताई। यहाँ इतनी गंदगी थी कि मरीज संक्रमण से बीमार हो जाए। उन्होंने कहा अस्पताल परिसर में जल जमाव है, पूरे अस्पताल में मात्र दो डॉक्टर मिले हमें, रोस्टर के अनुसार कई डॉक्टर अपने वार्ड में नहीं थे, साथ में SNCU में भी डॉक्टर नहीं थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली व पटना में रहती हूँ तो बार बार केवल सदर अस्पताल की ही शिकायत आती है, अस्पताल में मौके पे तो ना कोई डॉक्टर था। हालांकि बाद में डॉक्टर गिरीश अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को बारे में बताया और कड़े आदेश दिए कि अस्पताल को जल्दी से जल्दी साफ किया जाए। और सांभवी चौधरी का ये औचक निरीक्षण जो है कहीं ना कहीं ये बताता है कि बिहार में सरकारी अस्पताल के क्या हाल है और किस तरीके से मरीज जब इलाज करने जाएंगे तो क्या कुछ हो सकता है। इसके साथ ही अब बात करते हैं अगली खबर की। हम बात करेंगे BPSC TRE 3 का। इंतज़ार तो ऐसे स्टूडेंट्स को कब से था और लगातार ये लोग
सोच रहे थे कि आखिरकार परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा के डेट तो आ ही चुके थे, आज से स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड भी बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में शिक्षक अभ्यर्थियों को जानकारी मिलेगी कि उनकी परीक्षा केंद्र कहाँ होगी। बता दें कि बीपीएससी ने एक नोटिस जारी कर पहले ही जानकारी दी थी कि 9 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएगी। वहीं अब बीपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जानकारी अनुसार बीपीएससी द्वारा तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 27 जिलों में 400 केंद्र बनाए गए हैं। आयोग की ओर से परीक्षा का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया है। इस बार आयोग ने सभी डीएम को परीक्षा में किसी भी तरीके की कोताही करने से मना किया है। केंद्रों पर कैमरा लगा रहेगा, साथ ही आयोग कार्यालय से लाइव मॉनिटरिंग होगी। तो देखिए, सीधे तौर पे अब बीपीएससी का TRE3 का आज से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट पर, और परीक्षा का शेड्यूल भी आ चुका है। तो अब जो बच्चे हैं वो तैयारी करना शुरू कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहाँ पर बात करेंगे मौसम की। मौसम की बात इसलिए क्योंकि बिहार में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और इसी दौरान बाढ़ का खतरा लोगों को सताने लगा है। और हर जगह नेपाल के द्वारा बहुत जगह पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिहार में भी अब बाढ़ का खतरा सताने लगा है। बिहार में बाढ़ के कारण बढ़ रही है परेशानी। मंत्री का कहना है कि 2004 के बाद पहली बार नेपाल ने इतने बड़े पैमाने पे जल छोड़ा है। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचने लगा है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी और कोसी सीमांचल के कई जिलों में स्थिति चिंताजनक है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा, परमान जैसी नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार की बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था और सीधे तौर पे पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज में बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंता जताई थी। अब बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि साल 2004 के बाद नेपाल क्षेत्र में इस बार सबसे अधिक बारिश हुई है, उसके कारण ये परेशानी बढ़ रही है। नेपाल में जब भी बारिश होती है तब बिहार की मुश्किलें बढ़ जाती है। पूर्व जल संसाधन मंत्री संजय झा से भी लेकर अभी तक बात चल रही है और विजय कुमार चौधरी ने ये भी बताया कि काफ़ी चिंताजनक विषय है क्योंकि नेपाल में इस बार बहुत बारिश हुई है और बारिश के दौरान जिस तरीके से नेपाल की स्थिति है, अब बिहार में भी लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं कि अब मानसून तो बिहार में आ चुका है, लेकिन मानसून के साथ परेशानियां तो बढ़ी है। लेकिन आज मौसम विभाग के द्वारा कई जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और किन किन ज़िलों में बारिश होगी उसकी जानकारी देंगे। बिहार के अधिकांश हिस्सों में मानसून की बारिश हो रही है। किसी किसी ज़िलों में बारिश थमने के बाद एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, उसमें भारी गर्मी से लोग परेशान हैं। मंगलवार को भी राज्य के 10 जिलों में बारिश की संभावनाएं हैं। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने गोपालगंज, सिवान, सहरसा, मधुपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज जिले में कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। बारिश के दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने के लिए कहा है। बिहार में मानसून देर से आया लेकिन इस बार काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। अब बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की, और अगली खबर भी यही है कि लालू यादव की भविष्यवाणी से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और NDA के कई बड़े नेता जो हैं डरे हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ लालू यादव ने ये कह दिया है कि अगस्त के शुरुआत में ही मोदी सरकार गिर जाएगी और इस पे अश्विनी चौबे, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह और कई बड़े नेता बयानबाजी करते हुए नजर आए। चिराग पासवान ने तो सीधे तौर पे ये कह दिया कि वो अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं और ये आस दे रहे हैं कि बिहार में अब उनकी सरकार आएगी। दरअसल ये बयान लालू प्रसाद यादव ने राजद की 28वीं स्थापना दिवस पे दिया था, जिस पे गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पे निशाना साधा है और कहा था उन्होंने कि लालू यादव की भविष्यवाणी तो सिर्फ लालू यादव जानते हैं, वो सिर्फ सपने देख रहे हैं। इसके साथ ही अश्विनी चौबे की बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि हसीन सपने देख रहे हैं जो कि सपने पूरे नहीं होने वाले। दिलीप जायसवाल का कहना था कि जो अब सत्ता की लालच जिस तरीके से लालू यादव में घुस चुकी है और चाहते हैं कि उनके पुत्र बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे बयान तो देंगे ही, लेकिन ऐसी
कोई बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि लालू यादव जानते हैं कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है और लालू यादव का यही अंदाज है, और अगर लालू यादव कुछ कह रहे हैं तो सच में कुछ बात तो ज़रूर होगी। और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे? हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये साफ कह दिया है कि हम अब पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन लालू यादव के बयान से बिहार की राजनीति काफ़ी ज़्यादा हिली हुई नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे मंत्री प्रेम कुमार की। मंत्री प्रेम कुमार नवादा पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने नवादा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिस तरीके से जब वो वहां पहुंचे तो वहां का नज़ारा और तस्वीरें देख के हैरान परेशान हो गए और मंत्री जी भड़के हुए नजर आए, क्योंकि अस्पताल की हालत इतनी ख़राब थी कि कुछ कहने लायक नहीं। सीधे तौर पर एक हफ्ते से लगातार मंत्री प्रेम कुमार को यहाँ की शिकायत आ रही थी और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो अस्पताल के कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। वहाँ पे एक भी कर्मचारी नहीं था, एक भी डॉक्टर नहीं था, और जो हालत थी अस्पताल की वो बद से बदतर नज़र आई। ये वही अस्पताल है जहाँ लोग इलाज करने जाते हैं, लेकिन जल जवाब हो रखा था। इमरजेंसी वार्ड में एक भी डॉक्टर नहीं थे और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी बीच प्रेम कुमार ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि एक हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें सुधर जानी चाहिए, नहीं तो हम कड़ा एक्शन लेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करेंगे रुपौली उपचुनाव की, क्योंकि आज का दिन रुपौली उपचुनाव के प्रचार प्रसार के बाद का दिन था, क्योंकि कल रुपौली उपचुनाव का आखिरी दिन था प्रचार प्रसार के लिए, जहाँ पर तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी, अभय कुशवाहा तो पहुंचे ही थे। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो बीमा भारती, कलाधार मंडल और शंकर सिंह की चर्चा होगी, और चर्चा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने यहाँ का खेल बिगाड़ दिया है। बीमा भारती की हम बात करें तो बीमा भारती का राजनीतिक जीवन, करियर, सब कुछ इस उपचुनाव ही डिसाइड करेगा। कलाधार मंडल है जिसको लेके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और एनडीए के कई बड़े नेता वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन चर्चा आज दिन भर इन तीनों की हुई है और शंकर सिंह की भी चर्चा हुई है कि आखिरकार शंकर सिंह इस पूरे गेम को कैसे पलटते हैं, समीकरण को कैसे पलटते हैं। इसके साथ ही शंकर सिंह की चर्चा क्यों ना हो, क्योंकि पप्पू यादव से लगातार समर्थन मांग रहे थे, लेकिन पप्पू यादव समर्थन देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि बीमा भारती को भी वो समर्थन नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन जो आरजेडी है वो कांग्रेस के साथ है, यानी कि इंडी गठबंधन की सरकार में वो भी है। और इंडी गठबंधन की बात अगर हम करें तो कांग्रेस एक मजबूत दल है आरजेडी का, जिसको लेके पप्पू यादव ने समर्थन दे दिया है। इसके साथ ही हर चुनाव में बात अगर हम करें तो पप्पू यादव सीधे तौर पे कहते हैं कि हम कांग्रेस के विचारधारा के साथ है। और इसके बाद अब बात करेंगे हम जेडीयू में आज क्या कुछ हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मनीष वर्मा ने आज जेडीयू ज्वाइन कर लिया है और सीधे तौर पे बिहार में राजनीति गर्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीब है मनीष वर्मा, और मनीष वर्मा की चर्चा अगर हम करें तो चुनावी प्रचार प्रसार में भी काफ़ी ज़्यादा संलिप्त थे, हर जगह वो नज़र आए, प्रचार प्रसार में एक्टिव होकर पार्टिसिपेशन किया। जेडीयू में नीतीश कुमार के पसंदीदा नौकर शाह की एंट्री हो चुकी है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दिलाई मनीष वर्मा को सदस्यता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के रहने वाले रिटायर आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा इन दिनों खूब सुर्खियों में। मनीष वर्मा आज मंगलवार को जेडीयू का दामन थाम चुके हैं, इसको लेकर उनके समर्थकों में काफ़ी खुशियाँ हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बधाई भी दे रहे हैं। पिछले 2 साल से सफ़ेद कुर्ता और पैजामा में वो दिखाई दे रहे थे। सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहन के कई कार्यक्रम में शामिल होकर वो लोगों के बीच जा रहे थे और अपना परिचय दे रहे थे। उसी वक्त ये कयासों का बाजार गर्म हो चुका था कि इनकी राजनीति में एंट्री होगी। आज पार्टी ज्वाइन करने का मौका है तो जिले में काफ़ी संख्या में लोग पटना पहुंचे हुए थे, जहां पे इनका आवास है उसके कुछ ही दूर जो लोगों का उत्साह है वो देखने को मिल रहा था। हर जगह इनकी चर्चाएं हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भी हैं। इस दौरान मनीष वर्मा भी काफ़ी खुश नज़र आए। अब देखना होगा बिहार की राजनीति में मनीष वर्मा के एंट्री के बाद क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।